কোভিড অ্যাওয়ারনেস কা পুলিশ কে তরফ মুম্বাই পুলিশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানানো চাইতেছি যে আপনার কাছে কিতা কিতা আছে তা আতর দেখে আর তো কি আতর যদি পশ্চিমি কিতা সম্ভব না হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য এসজেড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল फ्रेंड्स आप सभी को हम दिखाने वाला है ईद से पहले दिन जलालपुर में ये नजारा कैसा है, यहाँ पे जलालपुर में लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे कैसी सब कुछ अरेंज किया करते हैं लोगों में। ये एक विलेज है और विलेज की जो नज़ारा है वो हर किसी को देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। अभी मार्केट में जितने भी लोग दिख रहे हैं वैसे इतने लोग नहीं होते। ईद उल अज़हा में पता ही है मार्केटिंग बहुत तगड़ी होती है, लोग खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए देख रहे हो आप कैसे हर तरह की सब्जी, मैंगो है इधर और फल फ्रूट है, ठीक है, और बढ़िया से शॉपिंग हो रहा है। अभी हम लोग जलालपुर के पूरा मेन पॉइंट पर है, यहाँ पे है एक स्टैचू दिख रहे आप, और यहाँ से ये भी मेरा एक सब्सक्राइबर है। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जलालपुर का मेन जो पॉइंट है, और यहाँ से तीन रूट जाता है, एक हॉस्पिटल रोड, इससे हॉस्पिटल रोड जाता है, और मेरे जो पीछे रोड दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ से बॉर्डर और दोनों दो तरफ से बॉर्डर जाता है, यहाँ से एक जो नतनपुर बॉर्डर है और पिननगर बॉर्डर, ठीक है। और अभी लोगों में फिलहाल कोई भी कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, पर आशा करता हूँ सभी को ये कोविड का जो खौफ है सबको समझ आए, और ये रिमोट एरिया है तो इसीलिए लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है कोविड के लिए, जो हम लोग इतना पेंडेमिक झेल रहे हैं और ये हम लोगों की वजह से ये हो रहा है, तो ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, तो आशा करता हूँ कि लोगों को जल्दी जल्दी समझ आ जाए और हम लोग इस जो पेंडेमिक में है इससे जल्दी जल्दी निकल जाए। ग्रोसरी शॉप के अंदर लोगों की भीड़ है, और यहाँ पे आओगे यहाँ पे और एक क्लॉथ की शॉप है, ठीक है, जो ईद के लिए जो सबसे ज़्यादा होता है नए कपड़े लेते हैं लोग, और इसमें सबने एक उसकी दुकान है, वहाँ पे भी भीड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जलालपुर का जो पूरा टोटल व्यू हो वो दिख जाता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से पुरान बाजार का व्यू है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पूरा पहाड़ी इलाका है जलालपुर में, जो मतलब वाटरफॉल वो जो भी मतलब मिडिल में फेमस हुआ था, वहाँ से इसी रोड से जो सामने रोड दिख रहा है इसी से जा सकते हैं आप लोग, और आप देख सकते हैं एसजेड ब्लॉग यूट्यूब चैनल के जो ओनर है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा हाइट फोबिया है तो इसीलिए वो ज़्यादा हाइट पर नहीं आए, और ये बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही मज़ा आता है, गांव में जो लाइफ है वो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हो। हमारे जलालपुर का दूसरा और एक स्टैंड है, यहाँ पे जितने भी गाड़ी देख रहे हैं आप ये सब जाता है बॉर्डर की तरफ, ठीक है, सीधा जाता है तो नतनपुर बॉर्डर, और लेफ्ट साइड पे जाता है तो पिननगर होके निज जलालपुर होके, और यहाँ पे नया और एक मार्केट बन रहा है जलालपुर, तीन चार शॉप अभी खुले हुए और अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। ये है जलालपुर असम ग्रामीण विकास बैंक, ये हमारे जलालपुर फाटा शॉप पे, और ये फेमस हमारे जलालपुर का दुकान है। मुजाकिर ईद के बारे में कुछ बोलेंगे, बंगला तो खोल लो तो इधर इधर सामान ले बाला तांदो को नेमन कुछ ना तांदा फटा खोलो मारती इधर मासे खबर फोड़ लोन खानो नहीं लोन तांदो को ला कुछ नाई कारण जा के ये जलालपुर हमारा बात करी है, ठीक है, तो इसीलिए मतलब कैमरा उठा के ऐसे बात करना बहुत अजीब लग रहा है, और लोग भी मतलब ऐसे पूरा मतलब देखते हैं, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा शॉर्ट एरिया के मुझसे किए, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और हमारे बाकी जो हारून उसने भी काफ़ी मेहनत किया ऊपर उठ के आपको पूरा व्यू दिखाया, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एसएल ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कल ईद है और कल का ईद का नया और एक वीडियो मिल जाएगा आपको। ये सामने जो डिलक्स देख रहे हो आप बस, ये सिलचर से आ रहा है, ठीक है, ये जलालपुर से ऐसे हर रोज़ 10-12 डिलक्स जलालपुर से होके कलाइन होके सिलचर जाता है, और फिर कलाइन सिलचर से लौटता है जलालपुर, ठीक है। ये सिलचर से पैसेंजर लेके अभी आया जलालपुर, हाँ जो हम एक लोकल शॉप पे आए रोड के पास, यहाँ पे ईद के लिए सामान मिल जाएगा आपको, टकी है और आचर भी। अस्सलाम वालेकुम, इधर बेगाना किला सोलर मोटा मोटी मैसे लोटा नहीं सामान वामान अपना कैसे कितने कितने आते आतोर देखिए रात तो की
अच्छा अपना दुकान नाम क्या तो नाम कुछ ना मास जेनरली नाम था दुकान आतर दुकान ना नहीं ठीक है ईद मुबारक अपने सब आज ईद मुबारक बोले ईद मुबारक ना नहीं ठीक है বিশেষ ঘোষণা শুধু নাগরিকবৃন্দ গোমরা পুলিশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানানো চাইতেছি যে कल ईद है तो इसके लिए ईद के वन से मतलब लोग कैसे मस्जिद में ज्यादा लोग जमा ना हो मतलब ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से ठीक है तो सब मिलके कल का ईद खूबसूरत एक ईद बनाते और गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं ठीक है जनता को जागरूक करना हम भी अपने तरफ से और एक हाथ मिलाएं और एक खूबसूरत भारत बनाएं ठीक है ये भतीजा एक फ़ोन किया उसको हम ब्लॉगिंग करने के सपोर्ट चाहिए था अपना उसका भी एक यूट्यूब चैनल है कितना सक्सेस वैल्यू नाम से वो अपना एडिटिंग छोड़ के चाचा का मदद करने आए ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को यही पैन करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो दे देना और हम लोग पूरी कोशिश किए जलालपुर भी जितनी भी जगह है पूरा कवर करने के लिए ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अच्छे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टे सेफ स्टे होम।